हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। तो आज हम लोग बनाएंगे चपली कबाब, विच इज़ पश्तून स्टाइल, और ये बनती है मिंस्ड कबाब से, मिंस्ड कीमे से, और यूजुअली ये बनती है बीफ से और मटन से एंड चिकन के उससे, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है ये बीफ से। और ये स्पेशली इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान। तो आज हम लोग बनाएंगे पाकिस्तान की एक बहुत सी फेमस डिश। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए स्पाइसेस, हम इसे करेंगे ग्राइंड। अजवाइन है, धनिया है, ज़ीरा है और पोमेग्रेनेट सीड है। जो ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, अजवाइन भी हाफ़ टी स्पून, 1.5 टेबल स्पून है पोमेग्रेनेट सीड, और जो कोरिएंडर सीड है वो 2 टेबल स्पून है। अभी यहाँ पे हमें इसे फाइनली चॉप्ड कर लेना है। कोरिएंडर है, हरी मिर्च है, 2 टमाटर है और अनियन है। अनियन मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं और मैं इसे कर लूँगी इसमें चॉप्ड, एकदम फाइनली चॉप्ड करना है। चाहे तो फूड प्रोसेसर में इसे कर सकते हैं। तो 700 ग्राम्स ऑफ कीमा है, इसमें है 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट जो हैं। ये रहे गरम मसाला पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च, और ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये सब था 1 टीस्पून, और 1 एग है ये। और इसके साथ ही मैं, आप चाहे तो 2 एग डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1 एग लिया है 700 ग्राम्स में, और 1 स्क्रैम्बल्ड एग ले लिया है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारे जो फाइनली चॉप्ड अनियंस थे, चिलीज एंड टमेटोज थे विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन कोरिएंडर, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो बेसन यहाँ पे फ़िलहाल मैंने हाफ कप लिया है, बाद में मैंने प्लस किया था क्योंकि जो हमने ये इंग्रेडिएंट डाला है अनियन वाले, तो उसमें बहुत मॉइस्चर होता है। और जो हमने मसाले ग्राइंड किए थे पोमेग्रेनेट वाले, वो भी डाल देंगे और इसे करेंगे एकदम अच्छे से मिक्स। आपको इसे मसल मसल के मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर जो हमारे हैं कीमे के अंदर अच्छे से चले जाए। अब हमने एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें डाला नहीं है, तो वो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो है सॉल्ट टू टेस्ट, इसी से तो आपका स्वाद आएगा, तो वो मैं डालना भूल गई हूँ। तो हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और उसके साथ ही बाद में मैंने प्लस किया है, जैसा मैंने कहा मैंने बेसन प्लस किया है। तो आप लोग भी देखिएगा, बाइंडिंग अगर ना हो तो थोड़ा सा बेसन आप इसमें डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मसल मसल के आपको अच्छे से प्रेस करके ऐसे करना है मिक्स। सो इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स, और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। देखिए ये 2 घंटे के बाद इस तरह से अच्छे से मैरिनेट हो गया है, और मैरिनेशन के बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। और कबाब हमें एकदम फ्लैट बनाने हैं। और आपको पता है ये चपली नेम कैसे पड़ा था? ये पढ़ा था फ्रॉम पेश्तो, और पेश्तो में एक वर्ड था चप्रिक, मीनिंग होता है उसका फ्लैट, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है चपली कबाब। और इसीलिए इसे एकदम लाइट होता है और राउंड होता है और फ्लैट इन टेक्सचर होता है इसका, तो हमें एकदम ही फ्लैट इसे बनाना है और एकदम गोल बनाना है। चलिए कोई बात नहीं, हमसे एकदम परफेक्ट गोल नहीं बना तो, बट हमें एकदम चपटा इसे बनाना है। इसी तरह से हम सारे जो है कबाब्स वो बना लेंगे, और उसके एकदम चपटा बनाना है, आपको याद रखना है ये। ये देखिए इस तरह से हमारे कबाब बन गए हैं। अब मैं इसे करूँगी फ्राई, और मैं इसे हल्का हल्का जो है तेल डाल के फ्राई करूँगी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जो हमने कीमा लिया था ना उसमें थोड़ा सा फैट होना इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो मेरा कीमा था वो थोड़ा फैट वाला था। अगर आप फैट वाला नहीं लोगे तो आपका जो ये कबाब है ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो दोनों साइड से मैं तेल डाल के इसे कुक कर रही हूँ। आप याद रखिएगा, आपका जो कीमा आप लोग वो एकदम थोड़ा सा उसमें आप फैट प्लस करो, अगर आपका फैट वाला कीमा नहीं है तो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन चपली कबाब। ये देखिए इतना अच्छा से खूबसूरत सा हमारा ज़बरदस्त सा कबाब एकदम तैयार हो गया है। और जो हमने वो जो क्रश किए थे ना इंग्रेडिएंट, वो इसमें दिख रहे हैं। धनिया जो है क्रश की हुई इतनी अच्छी दिख रही है,
सो ये बहुत ही परफेक्टली कुक हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब जो है उसे मैं तैयार कर लूँगी और हम इसे सर्व करेंगे हरी हरी चटनी के साथ में। तो ये देखिए हमारे जो ये कबाब है वो बन रहे हैं और ये इतने बन चुके हैं। सो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही इजी सी है बट बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं कबाब और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है चपली कबाब की। और ये देखिए कितने अच्छे परफेक्टली बने हैं। सो आ गया ना मुँह में पानी, तो आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए ऑन ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।